हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्चुरेशन होता क्या है और लैक्टेशन क्या होता है। अगर हम पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो डिलीवरी के सॉरी प्रेगनेंसी जब 9 मंथ्स में प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो पार्चुरेशन कहता है कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ फीटस या डिलीवरी ऑफ बर्थ चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन मीन्स क्या होता है कि मदर जो है जब मिल्क फीडिंग कराती है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। लैक्ट मतलब क्या होता है, लैक्ट मीन्स क्या होता है कि जो हमारा लैक्ट होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू मिल्क। लैक्ट लैक्ट मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू मिल्क। तो पार्चुरेशन क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, व्हेन डिलीवरी ऑफ द फीटस इज अकर और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं हम यहाँ पे एक नए बेहतरीन लेक्चर के शुरुआती दौर से। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ क्या, बिगोरस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी काजेज एक्सपल्सन। ये क्या होता है, बिगोरस कॉन्ट्रेक्शन। बिगोरस मीन्स क्या होता है, भयानक, बहुत ज्यादा तेजी से जो कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन किस में होता है, यूट्रस में, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड में जो यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, काजेज एक्सपल्सन। वो क्या होता है, एक्सपल्सन काज करता है, मीन्स डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो मतलब कहता है फीटस की डिलीवरी के टाइम, इस दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीटस के डिलीवरी के इस प्रोसेस को या फिर चाइल्ड बर्थ के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस कॉल्ड पार्चुरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो दोस्तों पार्चुरेशन क्या है कि विगोरस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के एंड में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है यूट्रस में, जो यूट्रस में भयानक कॉन्ट्रेक्शन होता है उस, और क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ फीटस, और जब फीटस का डिलीवरी होता है मीन्स कहते हैं जो चाइल्ड बर्थ कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। द एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो अगर हम ह्यूमन फीमेल में गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो क्या होता है, वो 9 मंथ का होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो लास्ट लेक्चर में हमने बात सीखा था कि जो हमारा गेस्टेशन पीरियड में कौन सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ने, हमने सीखा था कि कौन सा ऑर्गन किस मंथ में डेवलप्ड होता है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, ह्यूमन फीमेल में जो गेस्टेशन पीरियड का टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 9 मंथ्स का होता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो क्या होता है ये पार्चुरेशन, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो जो कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है कि जटिल, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है जटिल, अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है जटिल। तो ये जो पार्चुरेशन है वो इंड्यूस करता है किसके किसके बीच में, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड यूट्रस। तो द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलपमेंट फीटस एंड द प्लेसेंटा, विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि जब हमारा फीटस जो है यूट्रस के अंदर मेच्योर हो जाता है, मीन्स क्या होता है कि उसका जो है यूट्रस के बाहर आने का टाइम आ चुका होता है, कि मीन्स क्या होता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है, खत्म हो जाती है। प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है, खत्म होता है, गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है आफ्टर 9 मंथ्स। तो क्या होता है कि एक भयानक जो हमारा डेवलप्ड फीटस होता है वो यूट्रस में क्या होता है, विग्योरस कॉन्ट्रेक्शन देता है, भयानक कॉन्ट्रेक्शन देता है, जिसकी वजह से अब हमारा जो यूट्रस होता है वो मैसेज कर देता है किसको, एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन को। और न्यूरो एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन कहते हैं। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो क्या होता है कि जब हमारा यूट्रस यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो यूट्रस जो है एक सिग्नल भेजता है हमारे न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम को। तो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम जो है एक मैसेज रिफ्लेक्स देता है यूट्रस को कि वो क्या रिलीज करे, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन होता है वो जो है फीटस को रिलीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड काजेज स्ट्रांगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हुआ तो देखो क्या हुआ कि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आया तो यूट्रस ने ब्रेन को मैसेज भेजा। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आया, यूट्रस ने ब्रेन को मैसेज भेजा क्या कि सीक्रेट क्या करे, सीक्रेट करे ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रांगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद क्या होता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या हुआ यूट्रस, लेट अस सपोज दैट ये क्या हो गया हमारा यूट्रस हो गया, ये हमारा क्या हो गया यूट्रस हो गया। और यूट्रस क्या होता है मैसेज देता है ब्रेन को ठीक। ये क्या हो गया हमारा, सपोज करते हैं हम कि ये हमारा क्या हो गया ब्रेन हो गया, ये यूट्राइन में यूट्रस हो गया, इसमें क्या होता है भयानक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारा क्या होता है मैसेज देता है न्यूरो इंडोक्राइन को। तो इंडोक्राइन इसे रिफ्लेक्स देता है यहाँ से मैटरनल पिट्यूटरी को कि ये क्या रिलीज करे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हमारा जो मैटरनल पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। अब यहाँ से फिर अब इससे अब और ज्यादा भयानक कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब यहाँ पे क्या होता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर ये न्यूरो इंडोक्राइन को मैसेज देगा अगेन कि ये क्या करे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कराए। तो ब्रेन जो है ये मैटरनल यूट्राइन को फिर से क्या होता है रिफ्लेक्स मैसेज सेंड करता है कि वो क्या करे ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करे। इस तरह से इन दोनों के बीच में यूट्रस और इंडोक्राइन के बीच में जो है एक मैसेज हम चलता रहता है, एक परस्पर संबंध होता है, इनमें रिलेशन होता है। तो जो हमारा काज क्या कराते हैं, हमारे क्या कराते हैं वो डिलीवरी को कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है तो ढेर सारे ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होने लगता है। उसके बाद से क्या होता है हमारा द नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड काजेज स्ट्रांगर। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है कि स्ट्रांगर उस पर क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग मतलब क्या होता है कि स्ट्रांगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगर क्या होता है स्ट्रांग क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो फिर से वो क्या करता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है फिर से। जब जितना ज्यादा, एक बात तो यह हमेशा याद रखना कि क्या होता है जितना ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी क्या करता है वो ब्रेन को मैसेज सेंड करता है, फिर ब्रेन उसे मैसेज सेंड करता है हमारा यूट्राइन को यूट्रस को और फिर यूट्रस क्या रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। इस तरह से दोनों के बीच में चलता रहता है, एक रिलेशन होता है जो चलता रहता है। उसके बाद से क्या होता है हमारा प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी क्या होती है अचीव हो जाती है, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं डिलीवरी अचीव हो जाती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम बात करें क्या हुआ कि जो हमारा यूट्रस होता है ठीक, ये हमारा यूट्रस है और ये हमारा ब्रेन है, लेट अस सपोज ये हमारा ब्रेन है। अब ये क्या करता है इसको मैसेज देता है, यहाँ पे यूट्रस में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रस में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसने क्या हुआ इंडोक्राइन सिस्टम को क्या हुआ मैसेज किया कि ये क्या करे रिलीज करे ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है हमारे यूट्रस को कि ये क्या रिलीज करे ऑक्सीटोसिन। तो हमारा मैटरनल पिट्यूटरी जो होता है वो क्या करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। अब यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये फिर से मैसेज सेंड किया हमारे इंडो न्यूरोक्राइन को, फिर इंडो न्यूरोक्राइन से रिफ्लेक्स मैसेज दिया कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से इन दोनों में क्या कहा है कि ये जो रिलेशन होता है वो चलता रहता है जिसके थ्रू क्या होता है हमारा डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है कंप्लीट होता है।
तो यही इस पॉइंट में क्या होता है, द स्टिमुलेटर रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। तो मतलब क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, तो ये क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बार बार जो है यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, बार बार यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है। जब जितना ज़्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना क्या होगा, हमें जितनी आसानी से क्या होता है कि हमें डिलीवरी में क्या होता है हेल्प मिलती है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। इस एक्सपल्सन को कहते हैं, जबकि ये क्या होता है, दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो इस ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बार बार होना होता रहता है, फिर क्या होता है, बार बार क्या होता है उसमें यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज, इस तरह से ये दोनों में क्या होता है चलता रहता है। उसके बाद से क्या होता है, हमारा यूट्रस के बर्थ कैनाल के थ्रू जो है यूट्रस से होते यूट्रस से होकर बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, हमारा जो फीटस होता है वो बॉडी से बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरिशन कहते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। तो कहता है सून आफ्टर, जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो हमारा हमारा प्लेसेंटा होता है वो भी क्या होता है, यूट्रस से बाहर आ जाता है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाई द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो क्या होता है, जो हमारा मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, जो फीमेल में क्या होता है मेमरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है डिफ्रेंशिएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है डिफ्रेंशिएट होकर के करता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और क्या होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट करता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जिसे जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, क्या है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। ये क्या होता है कि जो हमारा लैक्टेशन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है इसमें न्यू बॉर्न बेबी के फीडिंग में, उसे क्या होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो क्या होता है, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, तो डिलीवरी के कुछ टाइम बाद जो सेक्रेशन होता है मिल्क का सेक्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। तो ये क्या होता है, जो बेबी के डेवलपमेंट में क्या होता है वो रेजिस्ट करता है, मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट करता है सेबरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो कहता है वो एंटीबॉडीज, मतलब कहता है कि एंटीबॉडीज से उससे क्या होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, बस इतना है आपको कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या करता है कि जो हमारा न्यू बॉर्न बेबीज होता है उसके डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी। तो जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनका रिकमांड होता है, वो सजेस्ट करते हैं क्या कि जो जो फर्स्ट टाइम क्या होता है जो मिल्क प्रोवाइड किया जाए वो बेबी को वो क्या होना चाहिए, मदर को होना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी में मिल्क बनता है, मदर के बॉडी में, खुद की मदर के बॉडी में जो मिल्क बनता है वो जो होता है फीटस के कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है, कितना मिनरल में रिक्वायर्ड है, कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से क्या होता है उस हिसाब से क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। कितना ज़्यादा रिक्वायर, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फैट रिक्वायर्ड है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन रिक्वायर्ड है, तो ये सब देख के उसको क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसलिए क्या होता है कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जो फीटस होना चाहिए, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको जो है मदर का मिल्क प्रोवाइड करा जाए। तो क्या होता है, तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर था, जो लेशन था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस जो हमारे नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू तब तक के लिए, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।